जिला संगरूर के पिंड मुंसीवाला विच एक गरीब परिवार का लैंटर डिग जाने के कारण भारी नुकसान होया। मकान मालकन गुरमीत कौर ने दस्या कि लगातार पै रहे मीह कारण उनके घर की छत डिग पई, जिस कारण घर विच पिया सारा समान नुकसानिया गया, जिवें घर का मोटरसाइकिल, कणक, मंजे, बिस्तरे, पेटी आदि। गुरमीत कौर का पति मिस्त्री नाल मजदूरी का काम करता है। मकान का जो हिस्सा बचा उस विच त्रेड़ा आईया पईया ने, जो किसी भी समय डिग सकता है। घर के दो कमरे बिल्कुल खत्म हो गए ने। कुछ दिनों तक गरीब परिवार की लड़की का विआह भी रखा होया सी, जिस कारण परिवार काफी निराशा के आलम विच है। गुरमीत कौर है। केड़ा पिंड है जी? मुंसीवाला। की गल हुई है जी? रात दी बारिश पै रही है जी, नेरी आ कि ना। अच्छा, की गल हुई? सामान मेरा खराब हो गया, सारा लेंटर कारण गए हुंदे कारण कणक भी मोटरसाइकिल सारा फुट गया जी। कणक मेरी सारी गरीबी अंदर ही रखी हुई सारी। परिवार दे विच कौन कौन मेंबर ने जी? अपने परिवार विच जी दो बेटे ने। बीते दिन सब डिवीजन पातना के पिंड मतौली विच मकान की छत डिग जाने नाल मारे गए मुख्तियार सिंह ते उस दे तीन बच्चियां दे नमित रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग तो उपरंत अंतिम अरदास पिंड के गुरुद्वारा साहिब विखे हुई, जिस विच पहुंचे हलका शुतराना के विधायक निर्मल सिंह, एस डी एम पातना पालिका अरोड़ा और मार्केट कमेटी पातना के चेयरमैन तरलोचन सिंह शेरगढ़ ने इस हादसे में मारे गए परिवार के चार मैंबरों को श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। सरकार वालों इस परिवार को जारी किए 17 लाख रुपए सहायता राशि का लैटर मृतक मुख्तियार सिंह की पत्नी सौंपिया और होर भी हर संभव सहायता देने का यकीन दवाया। बहुत दुखदायी घटना वापरी है, परमात्मा यही जी घटना किसी परिवार के ना वापरे। सरकार वालों जो इन्होंने मुआवजा दिता गया 4 लाख पर जी जिहड़ा मुआवजा दिता गया, इस परिवार के चार जिया की मौत हुई है, 16 लाख रुपया मुआवजा और 1 लाख रुपया जिहड़ा हैगा वो मकान की मरम्मत वास्ते दिता गया। जिस तरह ये घटना वापरी है, इस तरह कई मकान होर भी लोग है जिन्होंने मकान खस्ता ने, उन्होंने वास्ते सरकार वालों की किया जाए? कुछ समय समय स्कीम जो सरकार दताबक चल रहा है, इस घटना ने सानू होर भी सुचेत किया और असी ये होर भी अगो अगह वध के काम करांगे तां जो अगों तो यही जी कोई घटना ना वापर। तो ये स्टेज पर दस दें उत्थे कह जी बीबी है, पहली गल तो वो है जिहड़ी सार मुख्तियार सिंह की पत्नी है, असी कोशिश करांगे कि उहदी योग्यता के मुताबिक उन्हें जिहड़ी आ नौकरी। दर्दनाक कुदरती हादसा जिहड़ा इस बतौली पिंड विखे वापरिया सीगा, जिस विच कि एक पूरा परिवार उजड़ गया, उन्हां दे सिर्फ इक्को जिहड़ी उन्हां दी मां सी सिर्फ उही बची है। सो मैं प्रशासन वालों अज इत्थे हाजिर होए हां असी, ते जो भी सरकार वालों बनती मदद सी वो टोटल 17 लाख रुपया जिहड़ा है उन्हां दे अकाउंट विच पै चुके है। 4 लाख हर जी वास्ते जिन्हां दी मौत होगी, तो 1 लाख उन्हां दे मकान दे रिपेयर वास्ते जिहड़े पैसे ने उन्हां दे अकाउंट विच क्रेडिट हो चुके ने। असीं मानते हैं कि पैसों नाल कुछ नहीं हो सकता, उन्हां दा दुख हौला नहीं हो सकता, पर यह सिर्फ साडे वालों जो मदद सीगी बनती मदद असीं उन्हां दी कीती है। इस तो अलावा जिहड़ी उन्हां दी बीबी सुखविंदर कौर ने उन्हां दी नौकरी वास्ते जिहड़ा केस है वो भी असीं बना के भेजे है, उनकी बनती योग्यता के मुताबिक जो भी सरकार दी हदायतों के मुताबिक उन्हां दा जे कोई होर भी मदद हो सकती होगी प्रशासन वो जरूर करेगा। धन्यवाद। फिलौर नज़दीक पिंड लादड़ा विखे एक नवजम्मे बच्चे की बंद लिफाफे में पे होने की सूचना मिली। इस संबंधी जानकारी देंदे हुए ASI देशराज ने कहा कि उन्होंने पिंड लादड़ा के सरपंच सिमरपाल का फोन आया तो सूचना मिली कि गली में एक प्लास्टिक के थैले विच एक बच्चा पिया होया, जिस तो बाद तुरंत मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गली में पे थैले दे विच एक नवजम्मिया बच्चा सी अते जो सह लै रहा है, जिस तो बाद उन्होंने सिविल हस्पताल फिलौर विखे बच्चे नूं लियांदा जिथे इलाज दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर रवि खेड़ा के दसण मुताबिक नवजम्मे बच्चे की गर्भ अवस्था की उम्र 27 तो 28 हफ्ते के करीब सी। इस मौके ASI देशराज ने कहा कि सरपंच के बयान अनुसार नामालूम व्यक्ति पर परचा दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई कर दी गई है। फरीदकोट के बाबा फरीद नगर विच बलविंदर सिंह नामी व्यक्ति का दोष है कि उसके किराएदारा ने उसकी गैरहाजरी विच नकदी अते सोने के गहने चोरी किए ने, जिस संबंधी उसके वालों पुलिस के कोल मामला दर्ज करवा दिता गया, पुलिस अगलेरी कार्रवाई कर रही है। बलविंदर सिंह का कहना है कि बीते दिन ही उन्होंने घर एक औरत एक मर्द मकान किराए से लैन दे लई आए सन, जिस तो बाद उन्हां उक्त जोड़े नूं किराए ते रख लिया। वह अमृतसर मत्था टेकन गए तां मगरों किराए ते रहन आए इस जोड़े ने मौके दा फायदा उठांदे होए उन्हां दी अलमारी विच 14 तोले सोने दे गहने अते करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी चोरी कर ली। उत्थे खबर मुताबक उक्त दोषी औरत मनप्रीत कौर नूं पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया, जिस नूं अदालत विच पेश करके 30 जुलाई तक पुलिस रिमांड लिया गया।
जलंधर शहर के विचों विच बस्ती अड्डा चौक के नेड़े स्थित हार्डवेयर मार्केट विच इकट्ठिया चार दुकाना के पिछवाड़े तो ताले तोड़ के चोरी की वारदात को अंजाम दिता गया। वारदात के विच एक दुकान तो लगभग 1.25 लाख रुपए का समान चोरी होया। चोरी दे सारी वारदात उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरिया विच भी कैद हुई है, जिस विच साफ देखा जा सकता है कि दो चोरां दे वल्लों उक्त चोरियां नूं अंजाम दिता गया। फिलहाल थाना नंबर 2 दी पुलिस मामले की जांच कर रही है। साबका कैबिनेट मंत्री अते भाजपा दे सीनियर आगू मनोरंजन कालिया ने कैप्टन सरकार नूं हुण तक दे घोटालियां वाली सरकार ऐलानदे होए कहा कि सत्ताधारी आगू अते वकील जनरल वल्लों जमीन मामले विच लगे दोषां तों बाद सरकार नूं खेड उद्योग मंत्री तों इलावा मुख सकत्तर नूं बरखास्त करना चाहीदा। पत्रकारां नाल गल्लबात करदे होए मनोरंजन कालिया ने कहा कि एक्साइज विभाग, माल विभाग, सेहत विभाग, समाजिक सुरक्षा विभाग, स्थानक सरकारां विभाग दे घोटालियां तों बाद उद्योग विभाग विच 125 करोड़ रुपए का एक होर घोटाले की 31 एकड़ जमीन की विक्री ते वकील जनरल की कानूनी सलाह तो सामने आया है। मनोरंजन कालिया ने मुख सकत्तर तो अस्तीफे की मांग की क्योंकि उन्होंने दोष है कि उक्त आगू की मंजूरी तो बाद ही घोटाले की शुरुआत हुई है। देखो विपक्ष जो इल्जाम लगाती है भ्रष्टाचार के घोटालिया के, सत्ता पक्ष कहता है कि राजनीति में प्रेरित, लेकिन हुण सत्ता पक्ष के लोगों ने ही सरकार के उत्ते उंगली उठाई है कि घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे। एडवोकेट जनरल ने एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को राय देंदे होया इशारा किया है कि 125 करोड़ का मामला जोड़ा हैगा घोटाला सामने आया, जिदे विच मंत्री दे भी इशारा है और चीफ सैकटरी श्रीमती विनी महाजन देते हैं। इस तरह दूसरा घोटाला सुनील जाखड़ उन्होंने उंगली उठाई है कि कार्रवाई की जाए गुरमीत सिंह राणा सोडी पर, कि वो सरकार को दो बारी इको गल की पेमेंट जी है लै गए हैं। 55 कनाल जगह सी जी फिरोजपुर के एक्वायर हुई तो दो बारी कंपनसेशन लीती है, एक बार और एक हूँ 2012-13। सो चाहिए तो यह है कि भी खुद रिजाइन कर देंगे, लेकिन मैं मंग करदा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों को दोनों को बर्खास्त किया जाए, चीफ सैकटरी भी किया जाए और सारे मामले की इंक्वायरी जी है ये CBI करे, ता जो ये सारा जोड़ा घोटाला के कौन कौन इनवॉल्व है ये सारे जोड़े है सामने आ। आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू मेजर सिंह गिल वल्लों तरन तारण शहर दे विच पार्टी दीयां नीतियां दा प्रचार करन दे लई विशाल रोश मार्च कढ़िया गया। यह रोड मार्च शहर के गोइंदवाल बाईपास तो शुरू होकर शहर के वख-वख इलाकियां विच हुंदा होया स्थानक गिल पैलेस के नेड़े समाप्त होया। इस रोड मार्च दौरान शहर के पतवंतियां ने मेजर सिंह गिल ते उन्हां दे साथी लखविंदर सिंह फौजी का भरवां स्वागत किया ते आम आदमी पार्टी नूं आने वाली विधानसभा चोणां दे विच पूरा समर्थन देण दा वादा किया। सब तो ज़्यादा लोगों ने सानू पब्लिक ने सानू सहारा किया, सानू मदद वास्ते हर एक गल यो कही आ भी असी तुहाडे नाल आ, ऐर की जिन्ना पंजाब का गंद आ मूंझ के सुट देना, आने वाले टाइम के झाड़ू मारिया जाऊगा, गंद बिल्कुल खत्म हो जाऊगा, लोग सुखी हो जाएंगे, लोगों के जोड़े नजायज परचे आ वो कैंसल किए जाएंगे, तो बिजली 300 यूनिट एक महीने की माफ की जाऊगी, एक बिल मगर 600 यूनिट माफ किया जाऊगा। केजरीवाल साहब ने कहा जो दिल्ली के सहूलत वह सहूलत अपन दिखाई जा लोग सानू बहुत ज़्यादा संयोग दें, बहुत ज़्यादा खुश है लोग भी आने वाले टाइम के वध तो वध पब्लिक अपने नाल आ मदद कर रही आ, पूरा अंगारा देन रही आ भी ये पंजाब दे विच सरकारा ने सब तो ज़्यादा लुटिया, लोग गरीब हो गए आ, लोगों का बहुत बुरा हाल आ, लोगों के घर रोटी नहीं पकन रही, इन्हां लॉकडाउन विच भी मारता, हुण गां फिर आने वाले टाइम दे विच सरकारा ने इन्हां का बुरा हाल करना, इस करके पब्लिक 2022 विच साडा पंजाब याद हो जाना, उस तो बाद इन्हां दीआं सरकारां दा लोगों ने नाल लैणो ही हट जाना भी कोई अकाली दल जां कांग्रेसी हैगा ही, इन्होंने खुद इन्होंने लीडर ने आखना भी अही गलतियां कीतियां ते साडा पब्लिक ने बहुत बुरा हाल किया।
नूर महल दे विच नकोदर दे डीएसपी नवनीत सिंह माहल ते थाना मुखी गुरिंदरजीत सिंह नागरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दस्या कि एक व्यक्ति रामचंद्र जिसने पिछले दिनी अपने गुआंडी विद्यानंद ते उसके पुत्र शुभम का कतल करके दोहां दीआं लाशां नूर महल दे नाल लगदे पिंड चीमा कला दे एक खूह विच सुट दित्तियां सन। उस नूं काबू कर लिया गया जिस तों पुछगिछ कीती जा रही है। तरन तारण पुलिस वालों मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करने दे विच सफलता हासिल हुई है। थाना सदर पुलिस वालों गिरोह के तीन मैंबरों नूं गिरफ्तार करके उन्हां पासों चोरी के 9 मोटरसाइकिल बरामद किए गए ने। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तों नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।